हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे एसएससी स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग कि सर वैकेंसी कितनी 2023 में रह सकती है, क्या कम हो जाएगी वैकेंसी, क्योंकि 2022 में वैकेंसी इतनी ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि वैकेंसी कम नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2022 में बहुत ढेर सारी वैकेंसी आ गई है तो 2023 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि बिलो 1000 हो जाएगी। 1000 से कम वैकेंसी नहीं रहने वाली है, वैकेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ये नहीं कह रहे हैं कि वैकेंसी 2022 की इतनी रहेगी, लेकिन वैकेंसी 1000 से कम नहीं होगी आपकी। 1500 से 2000 तो वैकेंसी आएगी ही आएगी, इससे बढ़ भी सकती है। तो आप निश्चिंत होकर के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। बाकी एसएससी डिसाइड करेगी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से पहले मांगा जाता है कि भाई आपके यहाँ कितनी सीट खाली है, आपके यहाँ कितनी सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड होता है कि वैकेंसी कितनी बन रही है, फिर एसएससी के पास सारा डाटा जाता है, उसके बाद फिर वैकेंसी एसएससी रिलीज करती है कि हाँ कितनी वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी जब आती है ना, तो इस सब में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।